किया गया है। तो ऐसे तमाम चीज़ हमारे कर्नाटक में भी आने चाहिए। पैसे की कमी नहीं है, कमी नियत की है, कमी अच्छे लोग राजनीति में ना होना उसकी है। तो हम अच्छे लोगों को लाएंगे। 3 करोड़ रुपया 4 करोड़ रुपये एक MLA टिकट के लिए तय रेट फिक्स की हुई हर पार्टी ने, और 50 करोड़ रुपया खर्चा करके दारू बांट के, साड़ी बांट के, हमारे यूथ को दारू बांट के, हमारी माता बहनों को 300 रुपया की कीमत लगा के रैली में इस्तेमाल करके, वोट के टाइम में 500 रुपया में हमारे वोट को खरीदने की जो राजनीति है, उस राजनीति के खिलाफ सबको एक आने की जरूरत है। आप ब्राह्मणवाद की राजनीति से कहीं नहीं पहुँचोगे, आप मुसलमान की राजनीति से कहीं नहीं पहुँचोगे। आपकी हक की लड़ाई अगर लड़ना है तो आप सबको एक साथ आना पड़ेगा। दिल्ली की जनता ने ये काम हमको करके बताया है, और पंजाब की जनता ने उस गवर्नेंस मॉडल को, जो प्रूवन गवर्नेंस मॉडल है, उसको मौका दिया, देर नहीं किया उन्होंने। कर्नाटक की जनता से मैं इतना ही अपील करता हूँ कि आप देर मत कीजिए, अपने अपने गली में, अपने अपने घरों के आसपास सब लोगों से बात कीजिए, दिल्ली गवर्नेंस के बारे में बात कीजिए। आज 12,000 महीने के हिसाब से हम अगर हिसाब डालते हैं तो आम आदमी पार्टी 5 साल में जो सत्ता में है उसकी वजह से 7.5 लाख रुपये एक घर में बचे। मेरा प्रश्न मिस्टर बम्बई से, सिद्धरामैया से, DK शिवकुमार जी से, महान कुमार स्वामी जी से कि आप लोगों को मौका मिला, आप लोग यहाँ क्यों नहीं कर पाए। आज शर्मनाक स्थिति है कर्नाटक में। एक आदमी 4 करोड़ रुपया का सरकारी काम किया है, उसका बिल का पैसा उसको मिल नहीं रहा है, और उस पैसे के लिए उस पर 40% कर्नाटक का एक बड़ा नेता, चाल चरित्र चलन वाली पार्टी का बड़ा नेता, उसके वजह से उसको आत्महत्या करनी पड़ेगी उस व्यक्ति को। उस परिवार से पूछे क्या हालत में हो जी राज। तो ऐसी स्थितियां कर्नाटक के कोने कोने में है। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, बीदर घुसते ही मुझे, इसके पहले हमने म्यूनिसिपल का इलेक्शन भी लड़ा था, यहाँ हमारे साथी गुलाम भाई बैठे हैं जो एक से एक बढ़िया काम अपने वार्ड में कर रहे हैं, और जिन्होंने चुनौती दी है कि मेरे वार्ड में कोई भी एक भ्रष्टाचार मेरे फंड को लेकर मिल जाए तो मैं रास्ते में आकर बात करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे लोगों ने हमने तैयार किया है। अभी हम कुछ वार्ड गए थे तो वहाँ हमने एक अजीब बात देखी है, 76 ईयर्स बाद में जहाँ दिल्ली के 2.5 करोड़ जनता को आम आदमी गली गली के अंदर में पीने का मिनरल वाटर मुफ्त में दे रही, वहाँ पे भीतर के अंदर वार्ड वार्ड में लोगों के पाइप में पानी नहीं है, आंखों में पानी है। ऐसी नालायक व्यवस्था में हम जी रहे हैं। भीतर साउथ, भीतर नॉर्थ, देश का राज्य के मुख्यमंत्री, इन सबसे मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, म्यूनिसिपलिटी में बैठे लोगों से प्रश्न करना चाहता हूँ, आपको किस लिए चुना गया है? लोगों के आंखों में आंसू देने के लिए या पाइपों में पानी देने के लिए? तो ये बड़ी गंभीर समस्या है, हमें अब शिकायत के दौर से बाहर आना है, हम लोगों को सारी ये हिंदू मुसलमान की राजनीति से बाहर आना है।